लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स के लिए माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आपने ट्यून इन किया है माय क्रिकेट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को। और दोस्तों स्वागत है आपका पहले एपिसोड में जिसका नाम है क्रिकेट गपशप। दोस्तों क्रिकेट गपशप में हम करेंगे निचोड़ आज की टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहली क्रिकेट गपशप और जो पहली क्रिकेट न्यूज निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है आईपीएल 2018 से। दरअसल दोस्तों आईपीएल 2018 गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होने वाली है कल, मतलब 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे दोस्तों ये मीटिंग शुरू होगी दिल्ली में। तो दोस्तों एक जो बहुत बड़ा एक्साइटमेंट था जो कि था कि कितने खिलाड़ी रिटेन होंगे, कौन होगा ड्राफ्ट का हिस्सा, ये सब कल खत्म हो सकता है। हालांकि दोस्तों इससे पहले वाली मीटिंग में फ्रेंचाइजियों से कहा गया था कि आप बताइए कितने कितने खिलाड़ियों को आप रिटेन करना चाहते हैं, लेकिन उस समय बात नहीं बन सकी थी। लेकिन शायद बीसीसीआई को लगता है कि इस मीटिंग में बात बन जाए। अगर दोस्तों इसमें भी ये नहीं पता लगता है कि कितने खिलाड़ी रिटेन होंगे और क्या फैसला लिया जाने वाला है रिटेंशन पॉलिसी पे, फिर 9 तारीख को एक और मीटिंग हो सकती है। दोस्तों जो मुख्य टॉपिक जो इस मीटिंग में दोस्तों कंसीडर किए जाएंगे वो है राइट टू मैच कार्ड का, आरटीएम कार्ड का। उसके बाद दोस्तों कितने खिलाड़ियों को रिटेन किया जाए, नंबर ऑफ प्लेयर रिटेन, और उसके अलावा दोस्तों मिड ट्रांसफर विंडो, जो मिड ट्रांसफर पॉलिसी है जो बीसीसीआई लाना चाहता था मध्य में खिलाड़ियों को जो टीम चेंज होने वाली थी उस पर भी बात की जाएगी। तो दोस्तों कल बहुत सारे अहम फैसले आ सकते हैं और हमारे चैनल से ट्यून इन रहिएगा। दोस्तों दूसरी क्रिकेट गपशप, दूसरी क्रिकेट न्यूज निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है दोस्तों आईपीएल 2018 के फेक शेड्यूल से जुड़ी हुई। दरअसल दोस्तों बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें मुझे भी बहुत सारे लोगों ने भेजा है आईपीएल 2018 का फर्जी शेड्यूल। दरअसल दोस्तों फर्जी इसलिए क्योंकि आईपीएल 2018 का अभी तक कोई भी शेड्यूल आउट नहीं हुआ है। इसका मतलब जो भी शेड्यूल अभी तक आप तक पहुंच रहा है किसी भी माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, वो फर्जी है, वो फेक है, उसे आगे शेयर ना कीजिए, जो अफवाह है उसे ना बढ़ने दीजिए। अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग का शेड्यूल लॉन्च नहीं किया है बीसीसीआई ने, तो दोस्तों इन अफवाह से दूर रहिए और इसे रिपोर्ट भी कीजिए। दोस्तों तीसरी क्रिकेट गपशप, तीसरी क्रिकेट न्यूज निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है युवराज सिंह से जुड़ी हुई। दरअसल दोस्तों साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले, टेस्ट सीरीज से पहले युवराज सिंह का हुआ था यो टेस्ट, जिसका स्कोर है वो भी आउट हो चुका है। युवराज सिंह ने किए थे 16.5 स्कोर और दोस्तों वो फिर से यो टेस्ट को पास नहीं कर चुके थे। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि युवराज सिंह पिछले 6 महीने से टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ यो टेस्ट के कारण वो टीम इंडिया में जगह नहीं बना रहे हैं। आगे की क्या बात करें तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि साउथ अफ्रीका सीरीज में युवराज सिंह को चांस मिलने वाला है, युवराज सिंह खेलने वाला है, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी है बीसीसीआई की, युवराज सिंह के चांस बहुत मुश्किल हो गया है। 16.5 स्कोर था उनका साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले हुए यो टेस्ट में, जो स्कोर चाहिए था इस सीरीज में सिलेक्शन के लिए वो था 19.5, तो दोस्तों वो रहे अनसेलेक्ट। दोस्तों चौथी क्रिकेट न्यूज निकल कर आ रही है वो क्रिकेट न्यूज निकल कर आ रही है वो गपशप निकल कर आ रही है डे नाइट टेस्ट से जुड़ा हुआ। दरअसल दोस्तों अभी तक इंडिया में डे नाइट टेस्ट मैच नहीं हुआ है, पिंक बॉल टेस्ट मैच नहीं हुआ है। हालांकि दोस्तों रणजी क्रिकेट में से एक बार अपनाया जरूर गया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनाया गया है, लेकिन दोस्तों बीसीसीआई 9 तारीख को होने वाली मीटिंग में घोषणा कर सकता है कि आगे आने वाले किन मैचों में भारत में डे नाइट टेस्ट मैच होगा और पिंक बॉल का इस्तेमाल होगा। और ये अक्टूबर में हो सकता है क्योंकि अक्टूबर से पहले भारत टेस्ट मैचेस नहीं खेलने वाला है इंडिया में इस सीरीज के बाद, क्योंकि ये जो वेस्ट सीरीज है, वेस्ट शेड्यूल है, अब वो इंडिया का होम सीजन नहीं रहने वाला है। अब दोस्तों वो ओवरसीज सीजन में जाएगा, भारत साउथ अफ्रीका जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, उसके बाद आईपीएल भी है। तो दोस्तों अक्टूबर में ये हो सकता है कि डे नाइट टेस्ट हमें इंडिया में देखने को मिल जाए, जिसी का हमको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और जल्दी ये एक्साइटमेंट हमें पूरा भी हो सकता है। दोस्तों पांचवी और आखिरी क्रिकेट गपशप, आखिरी क्रिकेट न्यूज निकल कर आ रही है वो है T10 क्रिकेट लीग से जुड़ी हुई। दरअसल दोस्तों T10 क्रिकेट लीग के जो टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टर है उनके ऊपर जंग जारी हो गई है, जिसमें भारत में जी टीवी पर इसे टेलीकास्ट किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस पर बिडिंग लगाई है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे पता है, जी टीवी ये बिडिंग जीत जाएगा और जी टीवी पर इन सभी ये जो लीग होने वाली है T10 लीग, इसके मैचेस को जो है वो टेलीकास्ट किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है मुल्क होल्डिंग्स जो कि इस लीग को कराती है उसकी तरफ से, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी हमें ब्रॉडकास्टर्स के बारे में पता लगने वाला है। तो दोस्तों ये तो थी आज की क्रिकेट न्यूज और आज की क्रिकेट गपशप। अब दोस्तों हम बात करते हैं Q&A से जुड़ी हुई। दरअसल दोस्तों जब मैंने आप लोगों से Q&A का बोला था 1.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद, तो आप लोगों ने इतने सवाल रख दिए थे कि मुझे लगता है कि अब हमें इस सीजन में, इस गपशप जो हमारा जो नया एपिसोड सीरीज हुई है, इसके जस्ट बाद में आप सभी के सवालों का जवाब हर रोज दूंगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अभी भी सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, जिसका जवाब मैं अगले एपिसोड, मतलब कल जो होने वाला एपिसोड है उसमें दूंगा। इसी तरह से दोस्तों मैं डेली आप लोगों
के सारे सवालों के जवाब क्रिकेट से जुड़े और साथ ही चैनल और मुझसे जुड़े सवालों के जवाब देता रहूंगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इंस्टाग्राम पेज पर जाकर आप मेरी आईडी को प्लीज फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी मैं चैनल से जुड़ी हुई अपडेट्स प्रोवाइड करता हूं। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए।